गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज टू भी आपको कल कुछ रूल्स यानी नियम बताए गए थे, जिसमें आपको 2, 3, 4, 5 इसके बाद देखिए आया क्या हुआ है 6, 7, 8 आई बात समझ में। 6 का दिया हुआ है, 7 का दिया हुआ है, 8 का दिया हुआ है। तो पहले हमने बताया था कि रूल्स यानी नियम है, जब तक उसको आप नहीं समझेंगे तब तक आप जो है विभाजिता की जांच यानी कौन कौन से संख्याएं हैं जो 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या 6, 7, 8 या 9 है, 9 के बाद के अलावा अवेलेबल भी है, तो आप उसकी जांच नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ऊपर लाएगा आपका ध्यान में होगा, जिसमें वंस ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स 1 digit 0, 2, 4, 6 और 8 यानी वंस प्लेस पर यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 वाले में बताया गया था कि जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उन नंबर को आप पहले ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद यदि वह 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब जो दी संख्या यानी जो नंबर है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 4 का दिया गया था आपको ध्यान में होगा, तो ये नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्मेट बाई इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वन प्लेस। टेंस एंड वन यानी वंस और टेंस, जो भी आपको नंबर यानी संख्या दिया हुआ है उस पर आप टेंस और वंस को देखेंगे, और यदि वह 4 से डिवाइड हो जाता है यानी वंस और टेंस दोनों को आप देखेंगे, कोई भी नंबर दिया हुआ है अपने आपको बतला रहे हैं। उसके बाद 5 का बताया गया था, तो 5 का बताया गया था कि वंस प्लेस पर 0 और 5 होगा तो वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप देखें 6 का, तो 6 वाले में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं यानी देखिए 6 जो है 6 2 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, तो यदि कोई भी नंबर दिया हुआ है और 2 और 3 जो आपको 2 और 3 के नियम बतलाए गए हैं रूल्स बतलाए गए हैं तो उससे आप चेक करेंगे पहले 2 से, तो 2 में आपको पता है कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, और 3 वाले में बताया गया था कि जो भी नंबर दिए गए हैं आप उसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो जो भी संख्या दिया हुआ है उसको 2 और 3 दोनों से आप चेक करेंगे, उसके बाद तब पता चलेगा कि जो नंबर आपको दिया गया है वह 6 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 7 में भी आपको ध्यान देना है, बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्मेट बाय द अदर्स डिजिट इन आइडर आई बस में। उसके बाद 8 का है, तो आप पहले फार्मूला को पूरी कॉपी में नोट कर लेंगे, और आपको अगले एक्सरसाइज क्योंकि कल आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको 2 से चेक करना था और 2 में 3 से चेक करना था, अब हम आपको आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 प्रयास करेंगे समझाने का, उसको बहुत ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4, जो भी आपके नंबर दिए गए हैं नंबर्स बाय 4, इसमें आपके सामने देखिए हमने 3 क्वेश्चन रखा है। पहला क्वेश्चन है 6 18, उसके बाद दूसरा है 2314, और थर्ड है 63712। तो हमने पहला क्वेश्चन मान लिया
इसमें जो नंबर दिया गया है देखिए स्टेटमेंट हमने बताया था स्टेटमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस आपको नंबर जो भी दिए रहेंगे उसको आपको सिर्फ चेक करना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 618। अब उसके बाद द नंबर फॉर्मेट बाई द टेंस एंड वंस डिजिट, टेंस और वंस देखिए वंस हो गया या टेंस हो गया। तो यहाँ पर दो नंबर आपको देख रहे होंगे कि आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो गया 18। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका जो भी नंबर दिया हुआ है इसका वंस देखेंगे और टेंस देखेंगे। तो वंस के स्थान पर देखेंगे अब इसके बाद आपको चेक करना है फोर्स। तो अब आप देखेंगे कि 18 जो है ये फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर हो जा 16 या देखिए आपका एक कटा डिग। इसका मतलब जो ये दिया हुआ नंबर है वो फोर से डिवाइड होता है। देखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाई आई बात समझ में। आपको सिर्फ वंस और टेंस ये दोनों प्लेस में देखना है कि वंस के साथ कौन सा नंबर है और टेंस के साथ कौन सा नंबर है। उसके बाद जो भी आपके यहाँ नंबर मिल जाता है उसको आप फोर से डिवाइड कर देंगे। आप फोर से डिवाइड करने के बाद यदि वो कट जा रहा है तरह से यानी तब आप मान लेंगे कि वो फोर से डिवाइड है और यदि नहीं तो देखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाई फोर। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का है देखिए हमने बताया स्टेटमेंट में आपको कोई अंतर नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है ध्यान दें 2340 या आप देखेंगे वंस और टेंस इन दोनों के स्थान पर आप देखेंगे तो वंस के स्थान पर खोल रहे टेंस के स्थान पर पढ़ रहे। तो आपका पहले जो नंबर दिया गया है वह 2314। उसके बाद द नंबर फॉर्मेट बाई द टेंस एंड वंस लेंगे इसमें क्या आएगा वंस के स्थान पर फोर है और टेंस के स्थान पर वन है। इसके बाद फोर से टेबल से लिखेंगे तो फोर के टेबल में ये भी नहीं आएगा तो इसको लिखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाई फोर। आई बात समझ में, उसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ध्यान दें, हमने तीन क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिए लिखा हुआ है 63712 यानी 63712। इसमें देखिए वंस का स्थान टू है टेंस का स्थान वन यानी आपका यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 63712 आपको ये नंबर दिया है। इसके बाद वंस और टेंस का स्थान देखेंगे तो वंस का स्थान टू है टेंस का स्थान वन यानी यहाँ हो जाएगा आपका टू। अब उसके बाद आप फोर के टेबल में देखेंगे तो फोर के टेबल में आप देख रहे हैं फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर से यहाँ टू है। ये कन्फर्म हो गया आपको कि ये फोर के टेबल में आ रहा है तो लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई फोर। आई बात समझ में, तो इस तरह से इसके और भी जो हैं इसमें हमने तीन क्वेश्चन आपको दे दिया है वन टू थ्री उसके बाद फोर फाइव सिक्स है आप ठीक इसी तरह से उसको भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, अब आपको इसमें टेस्ट द डिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइव, आपको फाइव से चेक करना है। तो फाइव में आपको बताया गया था एकदम सिंपल, फाइव से आप चेक करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वंस प्लेस पर देखना है कि वंस प्लेस पर जीरो या फाइव, रूल्स आपको लिखवाए गए हैं।
क्योंकि हमने पहले बताया जब तक आप रूल्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आप चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपको चेक करना है तो आपके दिमाग में जैसे टू का टू से चेक करना है, टू के रूल्स, थ्री का करना है तो थ्री के रूल्स, फोर का करना है तो फोर रूल्स, फाइव करना है फाइव का रूल्स, सिक्स है तो सिक्स का, सेवन है तो सेवन आई वा सेवन। तो यहाँ पर देखिए आपको फाइव का मतलब क्या था, यदि वन प्लेस पर जीरो या फाइव, तो यहाँ देखो क्या हुआ है, पहला नंबर आपने ग्रहण किया हुआ है, हमने दो तीन क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है 4,965, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 23,590, थर्ड दिया हुआ है 35,208, इसके बाद यहाँ देखिए 100,000, 10,000 और लाख, इसको पढ़ेंगे 7,23,405। ये आपके सामने जो है कुछ क्वेश्चन यदि दिए गए, अगर आपको जैसे एग्जाम में या किसी भी तरह से टेस्ट में आएगा तो आपको वहाँ क्वेश्चन एक या दो नंबर दिए रहेंगे और उसको आपको चेक करना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वन को देखें, तो वन में देख रहे हैं तो यहाँ वन के साथ में फाइव है, इसका मतलब 4,965। इसके बाद सेकेंड में देख रहे होंगे यहाँ वन के प्लेस पर जीरो है, इसका मतलब ये भी 23,590। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं वन के स्थान पर एक है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा 35,208। यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पर क्या बताया था कि वर्ष के स्थान पर जीरो या फाइव होना चाहिए, तो यहाँ वर्ष के स्थान पर एक है इसलिए 35,208 नहीं है, आई बात समझ में। इसके बाद अगला चौथा देखिए तो यहाँ वर्ष के स्थान पर फाइव है, इसका मतलब ये आएगा तो इसमें क्या है 7,23,405, आई बात समझ में। इसमें देखिए वर्ष के स्थान पर फाइव है यानी आपका जो एरिया वाला नंबर है 4,965, ये 5 से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ दूसरा दिया हुआ है 23,590, इसमें वर्ष का स्थान पर जीरो है, ये भी 5 से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर है 35,208, इसमें वर्ष का स्थान पर एक है, जबकि वर्ष का स्थान पर जीरो या 5 आना चाहिए, इसका मतलब ये संख्या जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर है 7,23,405, इसमें वर्ष का स्थान पर 5 है, ये भी होगा। इस तरह से आपने जो नंबर दिए गए हैं कि ईच आपका नंबर्स यानी पहला है 4,965, इसके बाद सेकंड है 23,590, इसके बाद थर्ड फायर है इन फोर्थ में है 7,23,405। तो ये डिविजिबल वाइज है यानी एक फाइव से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद अगला आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 10 का डिविजिबिलिटी आर द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। तो आइए अब थोड़ा सा आपको अगले क्वेश्चन को ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 में जो दिया हुआ है टेस्ट द डिविजिबिलिटी आप द फॉलोइंग नंबर बाय 6। इसमें हमने देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2070 यानी इसको क्या पढ़ेंगे 1,100,000, 2,070। इसके बाद यहाँ है 1,100,000, 10,000 यानी 46,543। इसके बाद थर्ड है 71,232 और अगला है 1,100,000, 10,000 और लाख, तो 9,34,706। जिसमें पहला क्वेश्चन हमने दे दिया 2070। अब आप देखिए हमने बताया कि 6 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो 2 और 3 दोनों से होंगी। तो सबसे पहले हमने दिया हुआ है 2070, तो देखिए वर्ष के स्थान पर 2
7 हो गया और प्लस 0 हो गया, तो आप उसको ऐड करेंगे तो 2 और 7 9 हो जाएगा, यानी ये 9 जो है वो 3 से हो जाएगा। तो ये 2 के नियम का पालन कर रहा है और 3 के नियम का भी पालन कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर जो दिया हुआ है 2070 ये आपका e डिविजिबल बाय 6। अब उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमने नंबर्स पहले ले लिया है कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपको देना है, तो इस पे सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस पे लिखा हुआ है 46523। आई बात समझ में? तो यहां आप देख रहे हैं कि पहले तो ये 2 के रूल्स को देखें, तो वंस के स्थान पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो यहां वंस के स्थान पर 3 है, इसका मतलब उसके बाद इसका मतलब हुआ ये जो नंबर्स है ये 6 से डिवाइड नहीं हुआ। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है 71232। अब इसको ध्यान से देखिए, तो इसमें वंस का स्थान पर 2 है, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमको इसको 3 से भी चेक करना होगा, तो अगर हमको 3 से चेक करना चाहते हैं तो आपको बताइए जो भी नंबर दिए हैं उनको आपको सम कर देना है। यहाँ हो जाएगा 7 + 1 + 2 + 3 और + 2। आई बात समझ में? सो 7 1 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा और 10 और 3 अलग अलग 15 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वंस का स्थान पर 2 है, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और हम इस नंबर को ऐड कर दिए, तो ऐड करने के बाद क्या गया होगा, सकते हैं कितना गया, ये 3 के टेबल में 3 क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो ये अगला नंबर दिया हुआ है 71232 ये आपका इस डिविजिबल बाय 6 यानी ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन नंबर 2 यह है 9,34,706। देखिए यहां हमने बताया आपको 6 से चेक करना था, आपको 2 से भी चेक करना होगा और 3 से भी चेक करना होगा, तो अब आप 2 के हिसाब से देखें तो वंस के स्थान पर आपका 6 है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद 3 को चेक करने के लिए अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 9 + 3 + 4 + 7 + 0 + 6। आई बात समझ में? तो यहां पर देखिए 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 के बाद 4 जोड़ेंगे 16 और 16 में 0 को जोड़ेंगे 6 को जोड़ेंगे, इसको ध्यान देंगे। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि जो रूल्स लिखवाए गए हैं
रूल्स लिखवाने का मतलब यही है कि आप उसको पहले अपने दिमाग में रखें, उसके रूल्स को समझें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप होमवर्क में ध्यान दें, एक्सरसाइज 2B इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से पूरे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको हर क्वेश्चन के पास दे दिए गए, आप इन क्वेश्चन को एक बार फिर से अपनी होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे।